आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से पहले इस टीम को मिला धमाकेदार बल्लेबाज, एक मैच में बना डाली दो डबल सेंचुरी। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन श्रीलंका के एक बल्लेबाज ने अपने बल्ले से ऐसा कारनामा कर दिखाया जो क्रिकेट इतिहास में महज दूसरी यही बार हुआ है। श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो परेरा ने नॉनडेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए चार दिवसीय मैच में दो दोहरे शतक जड़ डाले। एंजेलो परेरा ने प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में सिंहली स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ पहली पारी में 201 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 231 रनों की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के आर्थर फैग के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली जिन्होंने 1938 में केंट की ओर से खेलते हुए एसेक्स के खिलाफ मैच में 244 और नाबाद 202 रनों की पारियां खेली थी। इंटरनेशनल गेंदबाजों के खिलाफ खेली तूफानी पारी परेरा ने ये पारी पीसारा ओवल मैदान पर खेली, जहां उन्होंने इंटरनेशनल गेंदबाज धमिका प्रसाद और सचित्रा सेनाना के जैसे गेंदबाजों का सामना किया। बैटिंग ऑलराउंडर एंजेलो परेरा का इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन फीका रहा है, इस वजह से वो टीम के नियमित खिलाड़ी नहीं बन पाए। श्रीलंका की ओर से जुलाई 2013 में उन्होंने वनडे डेब्यू किया था और कुल 4 मैच 8 रन कोई विकेट नहीं खेले। उसी साल मार्च में टीडट इंटरनेशनल में डेब्यू करते हुए वे 2 मैच 4 रन कोई विकेट नहीं खेले। परेरा के पास 97 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव है जिनमें उन्होंने अब तक 18 शतकों के साथ 47.5 आर की औसत से 6,941 रन बनाए हैं। अब इन दो दोहरे शतकों की बदौलत उन्होंने श्रीलंकाई चयनकर्ताओं के सामने वर्ल्ड कप से पहले टीम में वापसी का दावा ठोक दिया है। वैसे भी श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है, ऐसे में परेरा की फॉर्म उसे कुछ सहारा तो दे ही सकती है।